आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली में अब फिर मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। केजरीवाल सरकार ने लगाई पाबंदियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले उप मुख्यमंत्री पद ही नहीं कि कभी दावेदारी। कैबिनेट विस्तार को लेकर दिया बड़ा बयान। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में मिला नोटों का पहाड़। 56 करोड़ कैश, 32 किलो सोना चांदी बरामद। मुंबई इंडियंस ने दी नई टीमें हुई लॉन्च। यूएई और साउथ अफ्रीका लीग में मचाएंगी धमाल। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। सुल्तानपुर में सरस्वती शिशु वाटिका की छात्राओं ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। जानकारी के मुताबिक छात्राएं स्टाफ समेत राखी बांधने के लिए थाना कोतवाली नगर पहुंची थी। वहीं पुलिस कर्मचारियों ने अपनी बहन को गिफ्ट और पैसे दिए। इस मौके पर उपजिलाधिकारी भी मौजूद रहे। एक्चुअली हमारे देश को आजादी में लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, जिसका अमृत महोत्सव सभी पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, जिसमें आज सुबह हम लोगों ने अपने थाने की साफ सफाई की, 9 बजे झंडारोहण किया। और इसी के साथ साथ चूँकि आज रक्षाबंधन का महापर्व है, इस संबंध में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सिलवाड़ा रोड के बच्चे थाने पर आए हैं, जिनके द्वारा हम सभी लोगों को राखियाँ बांधी गई और मिष्ठान खिलाया गया। हम लोग लाइन ऑर्डर में रहते हैं, हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, तो ये एहसास ना हो कि हम अपने घर पर नहीं गए, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद। ये सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज सिलवाड़ा के बच्चे हैं जो कि आज राखी बांधने के लिए यहाँ पे, जो हमारे यहाँ फोर्स के जवान हैं जो कि घर नहीं जा पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, अपने लाइन ऑर्डर की ड्यूटी पे लगे रहते हैं, उनको एहसास ना हो कि वो घर नहीं जा पाए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए ये बच्चे सब कॉलेज के आए हुए हैं यहाँ पर, और उन लोगों ने राखी बांधा है और बहुत ही अच्छा लगा पूरा। ये सब बच्चे भी बहुत खुश हैं और जो यहाँ पे हमारे फोर्स के जवान हैं वो भी बहुत खुश हैं, उनको घर जैसा एहसास हो रहा है। और इसके लिए प्रिंसिपल और जो यहाँ पे आए हुए हैं उनके और भी अध्यापक हैं, सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। जी, हम लोग ये प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं सरकारी कार्यालयों में, कोतवाली पुलिस थाना जा करके, जो हमारे राष्ट्र सेवक हैं और ऐसे पर परिवार में नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम उनके परिवार के रूप में उनके पास पहुंच जाते हैं, अपने नन्हे मुन्ने भैया बहनों के साथ, हमारे जो आचार्य और आचार्या दीदी उन सबको लेकर के, हमारे ऐसे जो सहयोगी हैं, राष्ट्र सेवक हैं, उनको एहसास ना हो कि हम परिवार में नहीं पहुंच पाए, तो हम उनके परिवार के सदस्य के रूप में उनके पास पहुँच कर रक्षाबंधन बांधना और इंजॉय करना। इसके बाद अभी हम लोग अस्पताल में जाएंगे, मरीज हैं त्यौहार पर घर नहीं पहुंच पाएंगे, उनको रक्षाबंधन बांधेंगे और उनकी सेवा में जो डॉक्टर्स नर्सेज लगे हैं उनको रक्षाबंधन बांधेंगे। अपने छोटे नन्हे मुन्ने बहनों को लेकर यहाँ आई हूँ कि वो अपने ये जो हमारे हेल्पर्स हैं उनको अच्छे से राखी बांध सके और देश की सभी बेटियों की रक्षा करने का वचन दे सके। रक्षाबंधन का एक त्यौहार का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बहनों का सबका रक्षा हो, और जो ये आज हमारे थाने पर हम लोग आए हुए हैं ये हमारे रक्षा करते हैं और सब। कानपुर के ससैया घाट में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर अखंड भारत दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान गंगा के पावन तट पर दीप जलाकर देश विभाजन में बलिदान हुए लाखों हिंदुओं और सिखों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती पूनम कपूर और विशिष्ट अतिथि भाजपा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती रंजीता पाठक रही। जनपद गोंडा में आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव का हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिलाधिकारी और एसपी महोदय की अध्यक्षता में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अंबेडकर चौराहे के टॉमसन इंटर कॉलेज तक तिरंगा झंडा रैली का आयोजन किया गया। वहीं डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार और एसपी आकाश तोमर ने सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली का समापन किया।
बुलंद शहर में आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से पुलिस लाइन और सभी पुलिस कार्यालय में सफाई अभियान चलाए गए। वही अभियान के तहत थानों के कार्यालय, बैरक और परिसर में साफ सफाई की गई। इसके साथ ही अधिकारियों को अपने आसपास और अपने कार्यस्थल पर साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया गया। और यह जनपद में आजादी के अमृत महोत्सव मौके पर कई स्कूल के छात्र छात्राओं और आला अधिकारियों ने रैली कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आह्वान किया था, जिसको लेकर इस रैली कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पहले से हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, अमृत महोत्सव की आज शुरुआत है। आज बच्चों की रैली है, प्रभात फेरी जिसे हम कहते हैं। इसमें सभी प्राइमरी पाठशाला से लेकर डिग्री कॉलेज तक के बच्चे, टीचर्स, आम नागरिक, सारे अधिकारी सब इसमें शामिल हैं और एक अच्छी शुरुआत है। इस तरह हमारा रोज प्रतिदिन कोई ना कोई रैली निकलने का कार्यक्रम। शाम को क्या कार्यक्रम है? शाम को 4 बजे से देवकली मंदिर पर, चूँकि आज शिवरात्रि का अंतिम दिन है और आजादी महोत्सव का पहला दिन है, अम्बेडकर नगर में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के देखरेख में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। वही तिरंगा बाइक रैली में पंचायत विभाग के अधिकारी के साथ विकास भवन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आजादी के 75 वर्ष गांठ पूर्ण होने पर ऐसे में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद अम्बेडकर नगर में हवाई पट्टी पर DM के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। और ऐसे में यहां पर देख सकते हैं, कैमरा पर्सन कहना चाहेंगे, यहां का वो पूरा नज़ारा वो दिखाएं आखिर किस तरीके DMSP के नेतृत्व में यहां पर बाइक रैली निकाली जा रही है। सभी राज्य कर्मचारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, पंचायत विभाग के अधिकारी हैं और कैमरा पर्सन कहना आएंगे, आगे आएँ DM साहब, जैसे कि बुलेट पर बैठे हैं, SP साहब हाथ में तिरंगा लिए हैं। ये बाइक रैली निकाली जा रही है हवाई पट्टी से निकाली जा रही है बाइक रैली ये हवाई पट्टी से निकाली जा रही है। हमारे साथ इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए जिला अधिकारी सैमुल पाल जी है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये बाइक रैली कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये जो एयर स्ट्रिप में स्टार्ट करके पूरा सिटी हम लोग घूम के एक अवेयरनेस का रैली है। आज 11 अगस्त है, सरकार के आदेश अनुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्ष में हम लोग 11 से 17 तक हमारे जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसके संबंध में हर घर पे तिरंगा फहराने की प्लान है, लगभग 4,40,000 तिरंगा हमारे जनपद में फहराया जाएगा। तो इसके संबंध में जागरूकता करने के लिए, हर घर पर झंडा फहराने के लिए ये बाइक रैली ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें प्रशासन, पुलिस और सारे अन्य विभाग भी इसमें जुड़े हुए हैं। पूरा शहर में हम लोग इसको मैसेज देंगे, काफ़ी अन्य संस्था भी इसका काम कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से। आज 11 तारीख है अगस्त, सो इसको महत्वता की दृष्टि से हम लोग आज इसको बाइक रैली निकाल रहे हैं। खबर हरदोई से है, जहां बाइक के आपस में टकराने के बाद दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी और तमंचे भी लहराए जाने लगे। वहीं पीड़ित हिंदू महिला ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के दो युवकों ने तमंचे के बल पर उसके और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। देवरिया में खुद की जमीन और PWD जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वही पीड़ित का यह भी कहना है कि और आरोप है कि मुझे आए दिन जान से मारने की धमकी मिल रही है और जब भी वो सही नपाई करवाने की बात करता है तो दबंग मुझे उल्टे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। हमने 2 साल पहले रजिस्ट्री लिया था दानोपुर में, तो बगलगीर अरुण पांडे काफ़ी दबंग टाइप का आदमी है, वो हमारी ज़मीन के साथ साथ PWD की ज़मीन को भी बाउंड्री करके पूरा कब्जा कर रखा है। उसके बगल के भी जमीन वालों जो ज़मीन उसको भी कब्जा करके रखा है और वहाँ जाने पर वो सब पूरा परिवार निकल करके जान मारने की धमकी देते हैं और ये कह देते हैं कि बाउंड्री के अंदर घुसोगे तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, हमारी ज़मीन हमको सही सलामत हमें।
और यह कि अछलदा थाना क्षेत्र में एक बार फिर न्यायालय के आदेश के बाद अवैध शराब को डिस्पोज किया गया। इससे पहले भी एक बार न्यायालय के आदेश से करोड़ों की ब्रांडेड शराब को नष्ट किया गया था। आपको बता दें कि डिस्पोज की गई शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आज दिनांक 10 अगस्त 2022 को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार थाना अछलदा में आबकारी अधिनियम के 59 पुराने अभियोगों में 320 लीटर शराब जिसकी अनुमानित कीमत 104,000 रुपये को जेसीबी से गड्ढा खुदवा करके नष्ट किया गया है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।